bubbly. बबली उठी नहीं थी ये हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को पाकिस्तान में रहने वाले लोग और उनके इतने खूबसूरत कच्चे घर, उनका माहौल सारा आप दोस्तों के साथ इस चैनल पर शेयर करूँ। तो आज भी आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे इतना प्यारा खूबसूरत कच्ची मिट्टी का घर है। इस घर तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी सारा ट्रैवल करना पड़ा है। इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद फाइनली मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज का पूरा दिन मैंने यहाँ पर गुजारना है और आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पर इस घर में रहते हुए लोगों की पूरे दिन की काम काज की क्या रूटीन होती है। आप दोस्तों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है।
दोस्तों यहाँ पे अभी हम शूट कर रहे थे तो तेज़ हवा जो है वो चल पड़ी है, और आपको पता है घर का जो आंगन है ये कच्ची मिट्टी है सारी, तो इसलिए ये देखें सिस्टर्स जो हैं यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रही हैं ताकि मिट्टी से बचाव किया जा सके। और उधर जो दूसरी सिस्टर हैं वो दही से देसी मक्खन और लस्सी बनाने का जो प्रोसेस है वो कर रही हैं। कितना टाइम इसमें दरकार है या इसका क्या प्रोसेस होता है वो आपके साथ सारा शेयर करते हैं। जी तो फ्रेंड्स लगातार कोई 40 से 50 मिनट मेहनत के बाद फाइनली हम आप देख सकते हैं हमारे पास हार्ड फार्म में ये मक्खन कुछ निकला है और लिक्विड फार्म में जो है वो लस्सी है। ये लोग इसी मक्खन को कुकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इनके कामकाज की क्या रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इनका खूबसूरत किचन बना हुआ है, ये आप सामने देख रहे हैं। ये वाला इंडोर किचन है, सर्दियों के मौसम में कुकिंग करते हैं, और ये वाला जो किचन इनका है ये आउटडोर है। अभी गर्मियों का मौसम है तो बाहर बैठ के ये लोग कुकिंग कर लेते हैं। आग इन्होंने जला ली है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही गैस की सहूलत, तो इसीलिए ये लकड़ियाँ बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इन लकड़ियों की मदद से आग जलाने में दुश्वारी तो पेश आती है लेकिन इन लोगों की नॉर्मल रूटीन बनी होती है। तो अभी देखें आग जला ली गई है, नेक्स्ट इनके कामकाज की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मक्खन इन्होंने निकाल लिया था, लस्सी बन चुकी थी, वो टेस्ट की, उसके बाद अभी ये आटा गूंदने लगे हैं। और बैकग्राउंड पे आप देख सकती हैं इन्होंने बर्तन स्टोर करने के लिए छोटे छोटे कच्ची मिट्टी के कितने खूबसूरत शेल बनाए हुए हैं, उन पे डिजाइनिंग भी की हुई है, पेंट किया हुआ है। एक कलर तो खुद की थे वे? नहीं कलर से खुद बढ़वाए से वाल खुद किते से पहले मंगवाए से डिजाइन ना मतलब बड़ा किते से सब घर मतलब ऐसा जो गांव के लोग है ना सब कोई चीज़ का बड़ा शौक होंगे और ऐसा खुद किते से ये छोटे छोटे गिलास मिट्टी दे चाहे कोई शाय ऐसा शौक कनु रखते हैं। अच्छा वाह जी, जिस टाइम ऐसा फ्री थी नया काम तो वाल यो काम ही कर रहे हैं जबरदस्त काम कह नहीं सकता। बहुत अच्छे हैं, बड़ी मेहनत हुई है इस पे, कितने दिन लगे हैं? वैसे 5-6 दिन लग जाते हैं। अच्छा अच्छा फ्रेंड्स लालटीन इस नाम से भी आप वाकिफ़ होंगे और मेरी अक्सर वीडियोस में भी आपने देखा होगा। तो पुराने वक्तों में तो इस लालटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जब बिजली की सहूलत नहीं होती थी और टॉर्च वगैरह नहीं होते थे तब इस लालटीन की मदद से लोग रोशनी हासिल किया करते थे।
फ्रेंड्स, जब रोमांटिक मौसम हो, रिमझिम वाला और बारिशों का सीज़न हो, तो तब शहर वाले जो होते हैं ना, वो इंजॉयमेंट करने के लिए बाज़ार चले जाते हैं, बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो जो गांव वाले होते हैं, उनके पास ये चीज़ें अवेल तो नहीं होती, इसीलिए ये देख सकते हैं आप, पापड़ करा रहे होंगे या इस तरह की चीज़ें घर में बना के इन चीज़ों से अम्यूज़ होते हैं। फ्रेंड्स, गांव के हर घर में आपको इस तरह का हैंडपंप मिलेगा, जिससे पानी की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। बिजली की सहूलत ना होने की वजह से ये लोग पानी की ज़रूरियात पूरा करने के लिए इसी हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं। गंदम के दानों में से मिट्टी के कचरे वगैरह साफ किए जा रहे हैं। ये दाने साफ हो जाएंगे, फिर इनको करीब तरीन जो इलेक्ट्रिकल चक्की है वहाँ पे लेके जाएंगे और आटा पिसवा के ले आएंगे। जिन घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मौजूद होती है, उनके लिए ज़रा ये काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो पंखे की हवा की मदद से दाने साफ़ कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इनके लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इनकी तो नॉर्मल रूटीन बनी होती है, इनको ज़्यादा फील नहीं होता। जी तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास मौजूद है यहाँ की लोकल सब्ज़ी, जिसे लोकल ज़बान में करेला बोला जाता है। यहाँ पे ये गांव वाले लोग जो होते हैं, घर में ही सब्ज़ियाँ उगा लेते हैं। तो खुद आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन, जो सामने आपके करेले नज़र आ रहे हैं आपको, और ये सिस्टर बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं कि अभी ये जो करेला की रेसिपी है, किस हवाले से बना रही हैं, किस हिसाब की बनाएगी, कौन सी रेसिपी बना रहे हैं आज आप? ए वैसे ऐसा करेले मुर्गी है, मुर्गी सजा घर च होनी, क्योंकि सारे ना शहर कोई कह नहीं, ना मुर्गियाँ होनिया कह नहीं, मुर्गियाँ सारे देसी हैं, घर जन ए उन्दे वैसे ऐसा करेले कीमा बड़े ने पैसे करेले न, और हाँ गोश्त और वाले दोबारा बाढ़ वैसी कीमे आ गए, इन्हें को तलेसू वल खासू वल तो सजी कह जल्द बड़े सु वालों तो सीन दिखे सू ऐसा किस तरीके बढ़ाए से। ओके फ्रेंड्स, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, देखते हैं जी इसका क्या प्रोसेस है। ये देखें जी, घर में इन्होंने दो छोटे से डॉगी भी रखे हुए हैं, तो देखें बड़े मज़े से ये पानी पिए जा रहे हैं। देखें एक ही सेम कलर के हैं ये दोनों। लें जी फ्रेंड्स, चटपटे करारे पापड़ों के बाद अभी पेशे खिदमत है हमारे पास ये सवैयाँ। अभी यहाँ पे देखें जी, सवैयों के लिए आग जला ली गई है, अभी उबालू सवैयाँ बनाई जाएंगी। तो उबालू सवैयाँ का बनाने का क्या प्रोसेस है, वो आपके साथ शेयर करती हैं। उबालू सवैयाँ पे शक्कर डाल के फिर मज़े से खाएँगे, वो टेस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। गर्म पानी में जी सवैयों को उबाला गया है, अभी जो गर्म पानी है वो निचोड़ देंगे, उसमें ठंडा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर घी वगैरह और शक्कर वगैरह डाल के इसको मज़े से खाएंगे। उबाली हुई सवैयों पे ऑयल डाला, उसके बाद अभी भी शक्कर डाल रहे हैं, फिर टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह की उबाली सवैयाँ तैयार हुई हैं।
अच्छा, ये चिकन का कीमा जो है ये आपने मशीन के साथ किया है? नहीं, तो बिजली कोई नहीं, ना मशीन नहीं, हल्का हल्का कीमा बढ़ाया। अच्छा, ये देखें जी, घर में अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये छुरी की मदद से कीमा बना लिया। ये पहले इसको भूनेंगे आप, रोस्ट करेंगे चिकन को? फ्रेंड्स, इन लोगों को घर में परिंदे रखने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। अभी जी आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे प्यारे तोते इन्होंने पाल रखे हैं घर में, कितने प्यारे हैं। देखिए इनके मुख्तलिफ कलर हैं और ये मज़े से बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। इधर जी करेलों को अच्छी तरह वाश किया जा रहा है। वाश करने के बाद नेक्स्ट फिर जी देखते हैं कि बंद करेले किस तरह से तैयार किए जाते हैं। अच्छा बाजी, ये बताएं कि ये जो आप रेसिपी बना रही हैं इसका मजीद क्या प्रोसेस है? अब जो अब ये बना रही हैं, बन गया है, वो करेले लाएंगे, उसमें डालेंगे, फिर इसको घी में डालेंगे, घी में डाल के फिर उसको भूनेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाया है। लें जी, हमारे पास जो चिकन था उसको बॉयल किया, उसके बाद करेले जो थे उनको वाश किया। वाश करने के बाद आप देख सकती हैं कि जो हमारे पास चिकन है उनको करेलों के अंदर उनकी भराई की जा रही है धागे की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मान लिया, शहर वालों को भी परिंदे रखने का शौक़ होता है। अक्सर आपने शहर में देखा होगा कि जिन लोगों ने तोते वगैरह रखे होते हैं तो उनको पिंजरे में कैद करके रखते हैं। शायद ही आप पहली बार देख रहे हो कि एक तोता जो है वो खुलेआम फिर रहा है। तो गांव में इनको ऐसे खुलेआम छोड़ दिया जाता है और ये इतने समझदार परिंदे होते हैं कि इनको पता होता है कि भाई हमने वापसी इस घर में ही जाना है। सारा दिन ये खुलेआम फिरता रहता है और शाम का टाइम जब होता है या जब इसको भूख लगती है तो तब ये अपने पिंजरे में चला जाता है।
लें जी फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले इन करेलों को चिकन से फ्राई किया, इनके घी धागा लपेटा, अभी देखिए इनको फ्राई किया जा रहा है। और यहाँ पे तीन जो है करेले हमारे पास बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सारे जब मुकम्मल तैयार हो जाएंगे तो इनके फाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी जी फ्रेंड्स अंदर चलते हैं और आपको इस घर का अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। ये जी कच्ची मिट्टी के कमरे हैं और इनकी छत भी जो है ना वो सहराई लकड़ियों की मदद से बनाई गई है। ये बांस वगैरह जो है ये छत पे डाले गए हैं। ज़रूरियात की चीज़ें, थोड़ा बहुत सामान जो है वो घर के अंदर रखा हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं ये वाले जो डिज़ाइन बने हुए हैं कपड़े के ऊपर, ये गाँव की ख़वातीन जो होती हैं अपने हाथों की मदद से बनाती हैं। गाँव की ख़वातीन मेहनती होती हैं, दोपहर के टाइम खाने के बाद जब फ्री बैठती हैं तो ये काम खुद अपनी मेहनत से करती हैं। यहाँ पे ट्रंक हैं और ज़रूरियात की थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि यहाँ इनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मौजूद नहीं है, तो ये देखें इन्होंने ये एक बैटरी रखी हुई है जो कि 12 वोल्ट करंट जनरेट करती है। सोलर प्लेट की मदद से जो करंट है वो बैटरी तक पहुँचता है। और छोटा सा इन्होंने ये देखें इसको कन्वर्टर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है ये करंट पैदा करता है। और इस पर देखें ये मोबाइल वगैरह चार्ज भी करते हैं। ये मोटर का जो सिस्टम है पानी वगैरह निकालने के लिए वो भी इन्होंने इसी पर लगाया हुआ है। बाकी बल्ब वगैरह की रोशनी भी इसकी मदद से चला लेते हैं।
घर में इन्होंने सजावट के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखें सामने आप देख सकती हैं, ये इन्होंने सजावट के लिए रखी हुई हैं। अभी ये सामने देखें पुराने वक्तों का रेडियो टेप, अभी तो इसका दौर ख़त्म हो गया है, जब से जदीद टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट का दौर आया है, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन पुराने वक्तों में लोग इन चीज़ों को बड़े शौक से इस्तेमाल किया करते थे। फ्रेंड्स, कच्ची मिट्टी के इस घर पे आप सामने देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं कलर के, ये परमानेंट कलर नहीं है, ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट नहीं होता कि ये परमानेंट और महंगे कलर इन कच्चे घरों में इस्तेमाल करें। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ये आरजी कलर, जिनका जो कलर होता है चंद दिन बस मेंटेन रहता है, वो करते हैं, बस इन्होंने अपना शौक़ पूरा करना होता है। उसके बाद जब बारिश वगैरह आती है तो ये रंग सारा ख़राब हो जाता है। अभी पाकिस्तान में बारिशों का सीज़न जो है वो चल रहा है, तो इन लोगों को ये भी ख़तरा था कि कहीं ये कलर वगैरह उतर ना जाए, तो अभी चंद दिन के लिए इसकी ये शाइनिंग जो है वो बरकरार रहेगी, उसके बाद जैसे मौसम ख़राब हुआ, बारिश आई, तो ये कलर वगैरह जो है वो सारा उतर जाएगा, इसीलिए महंगे कलर इन कच्चे घरों पे ये लोग नहीं करते। फ्रेंड्स, ये सामने वाला जो आउटडोर किचन है, यहाँ बाजी बैठी रोटियाँ लगा रही हैं, और वो अंदर जो इनडोर किचन है वहाँ पर दूसरी बाजी जो हैं वो मिर्च, टमाटर, प्याज और दही को मिक्स करके चटनी बना रही हैं। इन लोगों की यह रूटीन होती है कि सुबह के नाश्ते में मिर्च, टमाटर और दही की चटनी इन्होंने लाजमी बना के इस्तेमाल करनी होती है। यहाँ पे देखें जी, नर और मादा जो तोता है आपस में ये फुल मस्तियाँ कर रहे हैं, और इनकी मीठी मीठी आवाज़ देखें, कितनी प्यारी आवाज़ है। लें जी फ्रेंड्स, पेश खिदमत है चिकन करेला रेसिपी की फाइनल लुक, अभी जिसको टेस्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, खाने के बाद सिटी वाले जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह को प्रेफर करते हैं, लेकिन भाई गांव वालों की तो सिर्फ चाय ही फेवरेट होती है। अभी देखें खाना वगैरह खाया है, खाने के बाद पेश खिदमत है चाय, और चाय भी मिट्टी के बर्तन में, माशाल्लाह मिट्टी के बर्तन में वैसे भी खाने का सवाब होता है, खाने का पीने का, तो अभी जी मिट्टी के प्याले में हम चाय पीते हैं।